वहीं प्रदेश भर में हिंदू संगठनों की तरफ से मस्जिदों के खिलाफ खोले गए समोर्चे के तहत हमीरपुर जिला के साथ लगते महाटनी में मस्जिद को जाने वाले रास्ते पर पुलिस बल के द्वारा बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई है। वाहनों में जाने वाले व्यक्तियों की आधार कार्ड की चेकिंग के बाद ही आगे जाने की अनुमति मिली गई है। वहीं गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर हिंदू जागरण मंच के तरफ से जुम्मा नमाज के मौके पर वहां धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। हम आए थे यहां पे, अपनी हर महीने एक मीटिंग होती है, आगे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, उसमें यहां से हमारे संगठन के बंदे जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ आए तो आगे पुलिस वालों ने अपना बैरिकेड वगैरह लगा रखे है, तो पूछने पे इन्होंने कोई पुख्ता जानकारी दी नहीं है क्यों लगाए हैं क्यों नहीं लगाए हैं। पर चलो बड़ी अच्छी बात है, जैसे इन्होंने शुक्रवार वाले दिन, या हो सकता है इनको मुस्लिम लोग ज्यादा प्रिय हों, ज्यादा इनको उनकी सुरक्षा ज्यादा इनको पसंद आएगी, जैसे हमने पता नहीं अंदर जाके क्या कर देना क्या नहीं कर देना, पर इनको जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है, क्योंकि हमें अंदर जाने से नहीं ये किसी को भी रोक सकते हैं। अगर रोकना ही है इनको तो उन लोगों को रोकें जो हर शुक्रवार को बाहर से हजारों की संख्या में इस मस्जिद में जाते हैं, तो कहाँ होता है ये प्रशासन जो आज यहाँ पे चार बंदों को अंदर जाने से रोक रहा है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है जो बाहर से आए हुए लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि आज जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज के लिए हमारे से सुरक्षा मांगी थी यहाँ के लोकल लोगों ने, और दूसरी साइड से सोशल मीडिया पर कुछ अफवाह भी चल रही थी कि हिंदू जागरण मंच वाले प्रदर्शन करेंगे, इसलिए एहतियातन बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। जिला मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, कोई ऐसी अभी तक जानमाल की हानि नहीं है, ना किसी ने अभी तक कोई ऐसा प्रदर्शन किया है।